बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज मेरा दिल चाह रहा था, जैसे सर्दी पड़ रही है, मैंने कहा आज बनाती हूँ देसी चीज़ पिनिया। चावल के आटे की बनती है। ये देखें, 2 kg मैंने चावल का आटा ले लिया, ठीक है। और ये शक्कर है मेरे पास, ये देखें, साफ़ सुथरी मैंने शक्कर पैकेट वाली यूज़ कर रही हूँ। और चावल का आटा 2 kg है, 2 किलो है, और 1 किलो तकरीबन हम इसमें शक्कर डालेंगे। अगर 1.5 किलो भी डाल लें, जैसे आप लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, ठीक है। पानी मैंने पहले से गर्म कर रही हूँ, देखें। अब मैं इसमें डालूँगी ये शक्कर, तकरीबन 1 1/2 kg पैकेट है, 1 पैकेट डाला। इस तरह मैं 2 पैकेट डालूँगी। गाढ़ा सा हम इसका शीरा बना लेंगे, इसका शीरा पका लूँगी मैं, ठीक है। शीरा पक जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जनाब। शीरा हमारा हो रहा है, और आपको पता है उतना टाइम नहीं लगता। ये मेरे पास इलायची है, छोटी इलायची, बस ऐसे आप 6-7 डाल लें। और ये नट्स है मेरे पास, मेवा, ये किशमिश, ऐसे करके आपने चारों तरफ फैला दी किशमिश। ये सौंफ है, ये भी अंदाजे से डालना है, जितना आप लोग पसंद है। जैसे सौंफ बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। और बादाम डालें, जो भी आपके पास हो चीज़ें, ज़्यादा ज़रा डालें तो मज़ेदार बनेंगी ये पिनिया, ठीक है। चावल का आटा देखें, मैंने इसको कुछ नहीं किया, बस पैकेट खोला और आपके सामने इसको, ना कोई गर्म करना है ना कुछ। ये देखें, ये अब तेल डाल दिए, बहुत इजी। और ये हमारी रवायती जो पिनिया होती हैं, आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा सारे आप तिल डालें इसमें, ये वाइट तिल है, ये सौंफ है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए, मैंने इसमें देसी घी तकरीबन 3 चम्मच आप लगा लें, थोड़ा अभी हार्ड है, घर का बना हुआ देसी घी ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें गरम गरम शीरा डालूंगी, तो ये ऐसे करके हमने गरम गरम शीरा डालना है। और इसको जब शीरा डाल देंगे, फिर इसको आपने ऐसे करके मिक्स करते जाना है हाथों से, ठीक है। अभी बहुत गर्म है, बस हाथों का भी ख्याल करना है आपने, और करना गर्म के साथ ही काम है, क्योंकि जो आटा है हमने इसको इसके लड्डू बनाने हैं, पिनिया बननी है, तो इस वजह से शीरा आपने गाढ़ा सा बनाना है, क्योंकि मीठा अच्छा हो तो ज़्यादा मीठी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एक बार ज़्यादा से बना के रखें और एंजॉय करें। ठीक है, ये देखिए, ये देखें जनाब, ये रेडी हो गई हैं। बस आपने नॉर्मल सा साइज़ उठाना है इसका, ये देखिए, ऐसे करके आप इसको ऐसे गोल करेंगे, ऐसे करके आप सारी पिनियाँ बना लें। देखिए कितनी इजी और बेइंतहा मज़ेदार और हेल्दी, ये देखिए, ठीक है। ऐसे करके मैं सारी बना लेती हूँ। ये देखिए जनाब, हमारी ढेर सारी पिनिया
रेडी है, माशाल्लाह बहुत मज़े की। आप देखिए कितने इजी तरीके से मैंने बनाया और आपके साथ शेयर किया। आप ज़रूर बनाएं अपने घर में और लाजमी बनाएं, और मेरे कहने पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए एम के साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।